कि शख्सियत किसी ताल्लुक के मोहताज नहीं है, वो एक खुद बहुत बड़े कन्विनर हैं और बहुत बड़े बड़े मुशायरों को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें मुनव्वर राणा राहत-ए-दौरी जैसी शख्सियतें इनसे मुलाकात करती हैं, इनसे मुलाकात की मुतमन्नी रहती हैं। ऐसी अजीम ज़ात आपके प्यारे मोहब्बत में तशरीफ ले आई है, लेकिन ये वक्त का अलमिया है कि वक्त भी नहीं है और लोग जा चुके हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, वरना मेरे पास बहुत सारे वो इस जेब में भी, इस जेब में वो सारे आइटम हैं, मैं आपको हंसा सकता हूँ, आपको गुदगुदा सकता हूँ, आपसे गुफ्तगू कर सकता हूँ। लेकिन ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में आपको अगर मुस्कुराने की बात होती है, आपको हंसाने की बात होती है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। दोस्तों, ये मुस्कुराने का वक्त नहीं है, ये हंसने का वक्त नहीं है, ये कुछ सोचने का वक्त है, कुछ करने का वक्त है। हमारे देश पर दुश्मन हमें ललकार रहे हैं और हमें तरह तरह से आजमाया जा रहा है, तो ये हमारे सोचने का वक्त है। और हम उन शहीदों की याद मना रहे हैं जिनका ये नारा था कि जमाने भर में मेरी बस यही पहचान हो जाए, जमाने भर में मेरी बस यही पहचान हो जाए, मैं अपना दिल बनाऊँ और हिंदुस्तान हो जाए। एक एक शख्स का कई ख्याल होना चाहिए, ये पैगाम होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती आज हमारे मुल्क की ये है कि बड़े शौक से मेरा घर जला कोई आंच तुझ पे ना आएगी, बड़े शौक से मेरा घर जला कोई आंच तुझ पे ना आएगी, ये ज़बान किसी ने खरीद दी, ये कलम किसी का गुलाम है। आज ज़बानें खरीदी जा रही हैं, आज कलम हमारे गिरवी रखे हुए। ऐसे प्रोफेसर तौर में जब कोई उभरता हुआ लहजा, कोई उभरती हुई फिक्र आपके सामने आती है, उसे भरपूर अंदाज में आपको सुनना चाहिए, उसे भरपूर अंदाज में आपको समाज करना चाहिए। मैं सलीम चौहान साहब को इन दो मिसरों के साथ आपकी मुतबरिक समातों के हवाले करता हूँ कि आप उनको मोहब्बत से नवाजेंगे। तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, जरा दोनों हाथ खुले यार, तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर, तू को तेरी जानिब रवाना कर। बहुत शुक्रिया आपने जुनैद अशरफ साहब। हाज़रीन इकराम, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 5-7 मिनट में अपनी बात कह के रुख्सत हो जाऊँगा, लेकिन ये 5-7 मिनट में ये चाहता हूँ कि आप तवज्जो से सुने, ताकि हमारा इतने दूर से आना यहाँ पर कुछ रंग लाए। तो दाइस पर जो है सारी इश्क और मोहब्बत की बातें हुई, लेकिन मैं मेरी तरफ से जो है वो कुछ यूं कहना चाहूंगा कि दो ही नतीजे पाओगे इश्क में जब दिल हारोगे। वाह। दो ही नतीजे पाओगे इश्क में जब दिल हारोगे, सर पे पत्थर खाओगे या पत्थर पे सर मारोगे। दो ही नतीजे पाओगे इश्क में जब दिल हारोगे, सर पे पत्थर खाओगे या पत्थर पे सर मारोगे। बहुत शुक्रिया मोहब्बतों से सुनने का। कि मैं ये अर्ज कर रहा था कि पहले तो अशकों को पीने का हुनर लगता है, पहले तो अशकों को पीने का हुनर लगता है इश्क की शाख पे तब जाके समर लगता है। और बना के बैठे हैं मक्तल में नशेमन अपना, बना के बैठे हैं मक्तल में नशेमन अपना अब परिंदों को कहां सयाद से डर लगता है। जी जुनैद अशरफ साहब, तवज्जो चाहूंगा आपकी, मतलब बर्दाश्त कर लिया कि सब तेरी इनायतें हैं, उसे तू पकड़ के ला। हजरत आहू कहते हैं हिरण को कि सब तेरी इनायतें हैं, उसे तू पकड़ के ला, दिल का जो खो गया है आहू पकड़ के ला, दिल का जो खो गया है आहू पकड़ के ला। और इस शेर पे खास तवज्जो चाहूंगा कि कुछ दिन हुए हैं खो गई आवारगी मेरी, मिल जाए अगर तुझको तो बाजू पकड़ के ला। और रस्म वफा निभाने की उसकी ये शर्त है, जा दिन की रोशनी में जुगनू पकड़ के ला। रस्म वफा
इसमें वफा निभाने की उसकी ये शर्त है, याद दिन की रोशनी में जुगनू पकड़ के ला, और सिलसिले से हटके एक शेर के दरकारे बागबा है सियासत के चमन को, दरकारे बागबा है सियासत के चमन को, दरकारे बागबा है सियासत के चमन को, फिर शाख से कोई नया उल्लू पकड़ के ला, दरकारे बागबा है सियासत के चमन को, फिर शाख से कोई नया उल्लू पकड़ के ला, और हजरत के दरकार बागबा है सियासत के चमन को, फिर शाख से झुका के नजरे नजाकत से बात करते हैं, वो आज कितनी लताफत से बात करते हैं, झुका के नजरे नजाकत से बात करते हैं, वो आज कितनी लताफत से बात करते हैं, और जरा सा सुन के मेरा हाल दिल को यूं बोले, जरा सा सुन के मेरा हाल दिल को यूं बोले, चलो कि फिर कभी फुर्सत से बात करते हैं। पहले तो कि शबे वादा मौसम का इरादा खिलाफ था, शबे वादा मौसम का इरादा खिलाफ था, और कुछ तो मेरा हरजाई भी वादा खिलाफ था, शबे वादा मौसम का इरादा खिलाफ था, कुछ तो मेरा हरजाई भी वादा खिलाफ था, और लगाई आग जुगनों ने ताजु है मुझे, लगाई आग जुगनों ने ताज्जुब है मुझे, वैसे तो सूरज मेरे ज्यादा खिलाफ था, लगाई आग जुगनों ने ताज्जुब है मुझे, वैसे तो सूरज मेरे ज्यादा खिलाफ था। बहुत शुक्रिया हजरात आपका इस तरीके से सुनने के लिए कि दुश्मन की साजिशों में बिरादर मिले हुए, ये भी मतलब बर्दाश्त कर लिया, कि दुश्मन की साजिशों में बिरादर मिले हुए, चावलों में जिस तरह कंकर मिले हुए, और एक दूसरे से मिलके वो रोए है जार जार, एक दूसरे से मिलके रोए है जार जार, मुद्दत हुई थी दोनों को खुलकर मिले हुए, एक दूसरे से मिलके रोए वो जार जार। पर ताजमहल अभी परसों की बात है, मैं हैदराबाद में था, तो जिस तरीके से मैंने चार मीनार को देखा, पत्थर की इस तरीके से एक दूसरे को मिलकर इस तरीके से खूबसूरत इमारत बनी हुई थी, तो मुझे मजबूरन इस शेर को कहना पड़ा कि इस तरह काश मिलते यहाँ सबके दिल से दिल, जिस तरह काश मिलते यहाँ सबके दिल से दिल, आपस में जिस तरह से है पत्थर मिले हुए, इस तरह काश मिलते यहाँ सबके दिल से दिल, आपस में जिस तरह से है पत्थर मिले हुए, और दैरो हरम के झगड़ों से इनको गरज नहीं, मंदिर और मस्जिद का मसला शुरू है कि दैरो हरम के झगड़ों से इनको इनको गरज नहीं, रहते हैं दोनों सिंध कबूतर मिले हुए, दैरो हरम के झगड़ों से इनको गरज नहीं, रहते हैं दोनों सिंध कबूतर मिले हुए। बहुत शुक्रिया हजरात आपने इस मोहब्बत से सुना।